गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज मैं कौन सा लुक शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्मोकी ब्राउन आईज यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने ब्लैक का भी हिंट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुझे सिर्फ 5 मिनट लगा, ये मुझे नॉर्मली 5 मिनट्स ही लगता है ये लुक क्रिएट करने के लिए। एंड लिटरली आप इसको शादी पार्टीज एनी वेयर डे टू डे वेयर कर सकते हैं, एंड लिटरली इट टेक्स हार्डली टाइम्स। तो यहाँ पे मैं अपने मेकअप रेवोल्यूशन से के कंसीलर से कंसील कर रही हूँ अपनी आईलिड्स। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपना जो स्किन केयर है वो उससे पहले ही कर चुकी, लाइक प्राइमर एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे मैं पर्पल का अपना आइवरी शेड लेकर अपने जो मैंने कंसील किया था उसको सेट कर रही हूँ पाउडर से। उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और मैं अगेन मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से एक ब्राउन अपना ट्रांजिशन शेड लूँगी। ये आपको दो शेड में ये आपका पूरा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ब्राउन शेड यूज़ किया है और मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से, जो फ्लैट ब्रश है उससे, अपने क्रीम स्टाइन्स के ऊपर इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट्स लेते रहूंगी और इसको ब्लेंड करते रहूंगी, जस्ट बिकॉज मेरा जो ट्रांजिशन शेड है वो पैची ना बने। आप भी कुछ इस तरह से ही करना, जब भी आप कोई ट्रांजिशन शेड कर रहे हो तो उसको लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा लेकर इसको ट्रांजिशन करना, जस्ट बिकॉज आपका जो आई मेकअप है वो ज़्यादा पैची नहीं बनेगा और जो प्रोडक्ट्स है वो एक ही जगह बैठ नहीं जाएंगे। इट्स अच्छे से ब्लेंडिंग होगी और आगे के लिए, आई फील आई शेडो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लेंडिंग, एंड ब्लेंडिंग इज अ की। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ वही चीज़। पहले मैं ट्रांजिशन शेड अपने आईलिड्स के ऊपर लेकर जा रही हूँ, मैं इसके क्रीज अपनी क्रीज के नीचे ही रख रही हूँ और ट्रांजिशन के थोड़ा अबव लेकर जा रही हूँ, बिकॉज ये स्मोकी आईज है तो इसके वजह से। और मिक्स आप फील मत करो कि आपके आईज के बाहर जा रहा है, हम बाद में इसको कंसीलर से साफ कर लेंगे, क्लीन कर देंगे उसके एजेस। यहाँ पे मैं अपने इस कंसीलर, यहाँ पे मैं अपनी ब्लेंडिंग ब्रश से इसको वो ब्लेंड करते जा रही हूँ। मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने कंसीलर, अपने जो क्रीज लाइंस है उसके ऊपर रखकर बाजू बाजू से जो ब्लटा हुआ प्रोडक्ट है उससे मैं ब्लेंड आउट करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ये बैक फोर्थ लेते जाते जाते मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे जब मैं अपनी ब्लेंडिंग से सेटिस्फाइड होगी तो मैं ये लॉरियल का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये बेस्ट आईलाइनर है, बट अगर आप बिगनर हो तो आप पेंसिल लाइनर यूज़ करो लैक्मे का, बिकॉज जेल आईलाइनर जो है वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आपको इसमें बहुत क्विक रहना पड़ेगा, जैसे आप आईलाइनर लगाओ उसके बाद फटाफट अपने हाथों से इसको ब्लेंड करो कि ये पैची ना दिखे, बिकॉज इसके ऊपर हम ब्लैक आई शेडो भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम लोग को फटाफट इसको ब्लेंड करना होगा। ये मैं अपने सेंटर ऑफ द आई कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे क्यूटिप बोल होंगे उसके ऊपर ही मैं इस पे कर रही हूँ। इसको ज़्यादा प्रिसाइसली नहीं करना है हमको, इसको हमको सिर्फ एक ब्लेंडेड इफेक्ट देना, जिससे हमारा जो ब्लैक आई शेडो रहेगा वो पॉप आउट होकर आएगा। यहाँ पे फिर मैंने सेकवेकी का पैलेट यूज़ किया है, उसके अंदर से ब्लैक शेड लिया है एंड ब्लैक शेड्स मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए मेरे 3 शेड्स लिख कर आ रहे हैं एंड ये देखिए पूरा ब्लेंडेड आउट हो चुका है। मैं सेम प्रोसेस उस लाइन पे भी करूँगी। मैंने पहले लॉरियल का काज जेल आइनर यूज़ किया है, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने फिंगर टिप्स की मदद से। उसके बाद मैं सेकवेकी के पैलेट से ब्लैक शेड लूँगी और उसके ऊपर प्लेस कर दूँगी और उसको ब्लेंड कर दूँगी। ये मैट ब्लैक नहीं है, ये शिमरी ब्लैक कलर है।
जब मैं अपने ब्लैक आई शेडो को पूरा अच्छे से तरीके से ब्लेंड कर लूँगी तो मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और मेरे जो नीचे फॉलआउट्स हुए हैं उसको मैं पहले क्लीन कर लूँगी एक ब्लैंक ब्यूटी ब्लेंडर से। उसके बाद मैं कंसीलर लूँगी वापस अपना लॉरियल का, सॉरी मेकअप रेवोल्यूशन का मैं कंसीलर ले रही हूँ और अपने बाजू के आई शेडो को कंसील कर रही हूँ जिससे हमारे जो आई शेडो लाइन है वो शार्प दिखे कुछ इस तरह से। इससे आपसे सेलो टेप लगाने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा और आपका जो साइज है वो भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा और शार्पली दिखेगा जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद मैं एक शिमरी वाइट कलर का शैम्पेन कलर का कलर अपने हुदा ब्यूटी पार्लर से उठाकर अपने अपने ब्राउ बोन पे रख रही हूँ। इससे जो है हमारी ब्राउ बोन लिफ्टेड दिखेगी एंड हमारा जो मेकअप लुक है वो पूरा सेटल्ड रहेगा। फिर मैं वही ब्राउन शेड जो मैंने उसके लिए यूज़ किया था वो और ब्लैक मिक्स करके मैं अपने इनर मैं नीचे भी उसको प्लेस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कोई काजल यूज़ नहीं किया है। फिर मैं अपने मैक पैलेट से यहाँ पर एक सिल्वर शेड लेकर उसको अपने आँखों के बाजू में लगा दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लैक्मे का काजल यूज़ किया है, ब्लैक लिक्विड काजल, और इससे मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं ये लुक को, ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सटल लग रहा है बगर मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है एंड मेरे स्कार्फ पे लग गया। लिटरली स्कार्फ के साथ मेकअप करना इट्स लिटरली अ ट्रबल। तो और फिर मेरे चीक्स पे भी मेरा थोड़ा आईलाइनर लग गया था बट मैं इसको अब रिमूव नहीं करूँगी। जब भी अगर आपके साथ ऐसी कोई मिस्टेक होती है मेकअप करते हुए तो आप इसको वैसे की वैसी रहने दो, आप अपना पूरा मेकअप कंप्लीट करो आई का। उसके बाद जब वो सूख जाए तो अपना एक कोई भी वेट क्लॉथ या फिर मेकअप रिमूवर से उसको हटा के उस पर कंसीलर टैप कर दो। अगर आप उसको गीले में करोगे तो वो पूरा फैल जाएगा ऑल ओवर योर फेस और ये पैची लुक देगा जब तक आप उसको वॉश आउट नहीं करोगे। तो मैंने पहले अपने एक कॉटन पैड पे यहाँ पे मैंने मेकअप रिवो ले लिया। उसके बाद मैं इसको कंसील कर रही हूँ अपने कॉम्पैक्ट से जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आगे की अपने अपने के आईलाइनर को टाइट लाइन कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट एक सब्सक्राइब बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए एंड लाइक भी कर देना। फिर यहाँ पे कोई फॉल्सीज का यूज़ नहीं कर रही तो मैंने यहाँ पर पर्पल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड उसको अच्छे तरीके से अपने पूरे लैशेस पे लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I get lost inside my thoughts and when I start to think all the time, how close it starts to end up on the brink. I tried so hard but all these scars they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It